नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाने इलाके में गौवंश लदे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक में 12 जिंदा गौवंश और 4 मृत गौवंश मिले। वहीं जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन और चालक के खिलाफ गौवंश तस्करी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुशीनगर के तमकुही और पंडरौना विधानसभा क्षेत्र में 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई। इसमें कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तमकुही विधानसभा के विधायक अजय कुमार लल्लू और पंडरौना विधानसभा से मनीष जायसवाल उर्फ मंटू जायसवाल को प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दोनों उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। प्रयागराज समाजवादी कार्यालय पर सैफ अफरीदी जिलाध्यक्ष ब्रायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में समापन समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विशेष अतिथि उमेर जलाल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अल्पसंख्यक सभा नीतीश तिवारी, राष्ट्रीय सचिव यूथ ब्रिगेड मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी जिला कार्यालय प्रयागराज समापन समारोह और नवनियुक्त पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई है। समाजवादी पार्टी आज जो मार्चपास्ट कर रही है, किस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नौजवान साथियों को बुलाया गया है। चुनाव की डेट आ चुकी है, चुनाव का वजूल बढ़ चुका है। अब नौजवान साथियों को बुला के उनकी जिम्मेदारी जो पहले दी गई थी वो पूछा गया, उस जिम्मेदारी में कितना काम किया। समाजवादी पार्टी के नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए उनके नक्शे कदम पे, जैसे हम तेज तर्रार हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे हमारे यूथ ब्रिगेड के नौजवान अपने विधानसभा में, अपने ब्लॉक में, अपने वार्ड में, अपने ग्राम सभा में जाकर अपने समाजवादी पार्टी के वोट रूम से मिलकर। समाजवादी जिला कार्यालय ने आज आपका स्वागत किया है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? मैं अपने छोटे भाइयों के स्वागत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारी यूथ ब्रिगेड है, इसकी मेहनत इलाहाबाद के अंदर जिले की 12 सीटों पे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ जीतेगी और हम लोग 12 में से कम 10 सीटें जीत करके माननीय अखिलेश यादव साहब को 2022 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मैं अल्पसंख्यक राष्ट्रीय सचिव हूँ अल्पसंख्यक सभा का और एक मुसलमान होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अपने हिंदू भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अमन पसंद मुसलमान इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बनाएगा और हर हाल में ये कोशिश करेगा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान एकता बनी रहे। पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देशन में जिले के सभी थाना पुलिस की तरफ से भारी पुलिस बल के साथ कानून और शांति व्यवस्था और आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की सभी तहसीलों में फ्लैग मार्च किया गया। मार्च के दौरान जगह जगह संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चेक किया गया है। रामपुर की तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, भारी फोर्स के साथ ये फ्लैग मार्च किया गया है। वाहनों की चेकिंग की गई है, संदिग्ध जो लोग नजर आए उनकी भी चेकिंग की गई। फ्लैग मार्च किया जा रहा है तो किस क्या चुनाव के दृष्टिगत है ये? हाँ, इस चुनाव को देखते हुए करा जा रहा है और इस तरह का एक पूरे जिले में एक जागरूक अभियान है कि कोई भी इस तरह की हरकत ना करे, लेकिन इसमें पुलिस को सख्ती दिखानी पड़े। तो सर, लोगों से क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कोई महम भरम ना रहे? लोगों से यही कहना है, बिल्कुल शांति से रहें, कोई गुंडागर्दी ना करें। गुंडागर्दी करेगा तो उसका इलाज कर दिया जाएगा, यही मैसेज है। तो पैरामिलिट्री फोर्स भी है क्या? पैरामिलिट्री फोर्स भी है और हमारी जो सिविल पुलिस है, अपनी रामपुर पुलिस, थाना कोतवाली पुलिस का संयुक्त अभियान है और ये रोज इसी तरह से। तो आज कहाँ हो रहा है सर ये? आज कोतवाली क्षेत्र में है। ठीक ठीक, धन्यवाद। शिवसेना नेता संजय राउत मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां वो भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत से मिलने उनके आवास पहुंचे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले संजय राउत और चौधरी राकेश टिकैत की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन संजय राउत ने साफ कर दिया है कि वो केवल किसानों के हित में राकेश टिकैत से मिलने आए हैं।
यूपी चुनाव में उनका समर्थन लेने नहीं आए। आए हैं, उन्होंने वहां से पगड़ी दी जो महाराष्ट्र की है, एक सम्मान करा, और जो किसान आंदोलन दिल्ली में चला उसके संबंध में आए, और बहुत दिन से उनका आने का प्रोग्राम यहाँ पर था, तो वे आ जाए यहाँ पे और मिले आन के। उन्होंने महाराष्ट्र की पगड़ी जो शॉल है वो दिया, और वे किस्म से जो आंदोलन हुआ है तो उसके उसमें उन्होंने दिया। अच्छा, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई है? बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र आओ और जो हमारी पॉलिसी है वो भी आप देखो, तो महाराष्ट्र के किसानों के उसमें जाएंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से भी वहाँ की पॉलिसी के संबंध में कि जो है वो जाएंगे तो उनसे चर्चा बिल्कुल करेंगे। जौनपुर में मशहूर शहर कोतवाली स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना व्यापारी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो जौनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में भीषण आग लग गई, लेकिन अब तक आग लगने के कारण पता नहीं चल पाए हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही बज गया हो, मगर कोरोना महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने किसी भी तरह की जनसभा, रैली समेत अन्य चुनावी कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी जोगीपुर इरनिया में जनसभा करने पर सपा के पूर्व विधायक समेत रामसिंह पटेल और 39 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कधई थाने में तैनात उप निरीक्षक राजकुमार मिश्र की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि जोगीपुर इरनिया में पुलिस पटेल के संयोजक में जनसभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सपा के पूर्व विधायक रामसिंह पटेल की मौजूदगी में बैनर पोस्टर्स बांटे गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश में 125 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 50 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया। लड़की हूं लड़ सकती हूं नारी को कांग्रेस अब धरातल पर उतार रही है, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी रामा कश्यप का कांग्रेस कार्यालय में माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस से महिला प्रत्याशी रामा कश्यप ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनको और गोंडा वासियों की खुशी का दिन है। गोंडा की बेटी को टिकट दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर चुनाव वो लड़ने जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और दीदी ने हम पे भरोसा किया, पार्टी ने हम पे भरोसा किया है। मैं इस सीट को मैं जिता के विधानसभा में भेजूंगी। किन मुद्दों के साथ चुनाव में लड़ेंगी, क्या है मुद्दे? महिलाएं और बेटियां, जैसा कि दीदी ने कहा है कि रिजर्व किया था 40%, और आए दिन महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में गंभीर अपराध घटते रहते हैं, उस अपराध को दूर करना है। और दीदी ने कहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, तो महिलाओं की बस सेवा वो फ्री यात्रा कर पाएंगी और महिलाओं को नौकरी में भी सुविधा होगी। देखिए, हमारे गोंडा का बहुत सौभाग्य की बात है कि कभी आज तक हमारे गोंडा में पहली लिस्ट में गोंडा का नाम नहीं आता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संगठन और प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों पे भरोसा किया, संगठन हमारा मजबूत निकला, इसलिए रामा कश्यप जी को महिला अध्यक्ष को, एक प्रियंका दीदी ने जो नारा था मैं लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, उन्होंने अपना वादा पूरा किया और पहली लिस्ट में रामा कश्यप जी का नाम आया। और मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को पुनः दोबारा और प्रदेश नेतृत्व को दोबारा मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्टी में कोई अंतर्कला तो नहीं है? हमारे पार्टी में, देखिए भाई, हमारे पार्टी में अंतर्कला नहीं है। अंतर्कला तो विरोधियों की पार्टी में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी
उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। आज की हमारी रिपोर्ट आपके लिए दिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम कुंभ की नगरी हरिद्वार आए हैं एक कहानी लेकर। किस वक्त मैं मौजूद हूं हरिद्वार, और यह हरिद्वार का ज्वालापुर इलाका है जहां पर स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में चलने वाला अस्पताल स्वामी राम प्रकाश चैरिटेबल हॉस्पिटल मौजूद है। ऐसे इनके अंडर में आने वाले तकरीबन 10 अस्पताल हैं जहां पर शिविर लगाकर मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके साथ ही अस्पताल 24 घंटे रनिंग में है। आज हम इस कहानी को कवर करने क्यों आए, इस कहानी को, इस स्टोरी को कवर करने का हमारा इरादा सिर्फ ये है कि हम आपको ये बता सकें कि किस तरीके से समाज में कुछ लोग हैं जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं और कई दफा इनकी कहानियां आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए आज हम यहां आए हैं, यहाँ किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से लोगों की मदद की जाती है, किस तरीके से स्वार्थ को न लाकर सामने, बिना स्वार्थ के किस तरीके से डॉक्टर्स, किस तरीके से यहाँ पर
पूरा स्टाफ किस तरीके से लोगों के लिए काम करता है ये हम सब आपको बताएंगे। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी का नौवां हॉस्पिटल जो कि हरिद्वार में 24 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ है, इसमें हम साधु संत और जो निर्धन या आर्थिक रूप से जो असमर्थ हैं उन लोगों की हम मदद करते हैं, उनको हम फ्री इलाज करते हैं उनका। हमारे यहाँ हर संडे को सुपर स्पेशलिटी कैंप्स आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि बाहर से डॉक्टर्स आते हैं और ये कैंप्स पूरी तरह से निःशुल्क रहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश में हो रहे चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के निर्देश पर एडीजी विजय सिंह मीणा को कानपुर का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। 1996 बेंच के आईपीएस अफसर हैं, वो वर्तमान में एडीजी विजिलेंस के पद पर तैनात थे। वहीं इससे पहले विजय सिंह मीणा आईजी वाराणसी रेंज और आईजी लोक शिकायत समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं और कई विधायक बीजेपी का साथ छोड़कर सपा में जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सपा के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, इस बार सपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और ये कि थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जनरल स्टोर की दुकान से लाई गई खाद्य सामग्री का सेवन करने से मासूम बच्ची के मुंह के अंदर विस्फोट हो गया जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों का कहना है कि चूरन के रूप में ली गई खाद्य सामग्री को खाने के बाद ही विस्फोट हुआ है जिसमें उनकी मासूम बच्ची घायल हो गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि खाद्य सामग्री के सेवन से घायल हुई मासूम को इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित दुकान को भी सीज कर दिया है। मेरी बेटी दुकान गई थी कल, उसमें चुर्रे में एक गोला सा निकला तो उसने चुर्रा समझ के उसने समझा चुर्रा है, उसने खा लिया तो मुंह फट गया। पड़ोस की दुकान से चूरन लेने गई, उसमें धमाका निकला चूरन का। आप अपनी बेटी को दिखाने गए कहीं? अजीत मल ले गए, अजीत मल से पैर रेफर करा। आज वो मीडिया में खबर सर्कुलेट हुई थी कि खाद्य पदार्थ चुर्री के सेवन से एक बालिका घायल हो गई है, जुआ गांव फफूंद का प्रकरण था, उस पर खाद्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभाग में जाकर के पहले बच्ची के यहाँ से मुलाकात की, उसकी हाल चाल लिया, उसके बाद जाकर के जिस दुकान से उसने सामान लिया उस दुकान की जांच पड़ताल की गई है। लाइसेंस ना मिलने के कारण उसका भी दुकान सीज किया गया, जिस जहाँ से वो सामान लाया था बलराम की दुकान से उसकी दुकान में भी मिसब्रांडेड पाए जाने के कारण नमूना लेते हुए दुकान सीज की गई है। वहीं मेरठ में मेडिकल थाना क्षेत्र में ओम धर्म कांटे पर बदमाशों ने 3 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की, उसके बाद नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। मौके पर मेडिकल पुलिस के अलावा स्वाट टीम भी पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। फर्रुखाबाद के पांचाल गंगा घाट नदी पर मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई, वहीं लोगों में मकर संक्रांति को लेकर काफी उत्साह भी देखने को मिला है। बलिया पहुंचे 10 पैरामिलिट्री जवान कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकालने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची थी, जिसके बाद 10 पैरामिलिट्री जवान के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है और सीएमओ ने जवानों को L1 में भर्ती करने के लिए कहा है। वहीं सभी जवान रसाड़ा क्षेत्र में मौजूद हैं। तक प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में 49 लोग पॉजिटिव मिले हैं और बीमारी बढ़ती जा रही है, लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। जो बात आपने
रसड़ा की बात की, रसड़ा में आप जानते हैं कि जब बाहर से पुलिस फोर्स वाले आते हैं तो वो एक साथ रहते हैं, तो जब आसपास रहेंगे, क्लोज विसिनिटी में रहेंगे, तो बीमारी फैलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, और उसी का असर हमें यहाँ देखने को मिला है। आज वहाँ 8 या 9 लोगों के पॉजिटिव होने की सूचना मिली है, विस्तृत जांच जानकारी ली जा रही है। तो कल भी कुछ पॉजिटिव मिले थे जवान? कल 2 लोग मिले थे। तो कुल अभी कितने जवान पॉजिटिव मिल चुके हैं? लगभग 10 से 11। सीतापुर में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। बता दें कि कोर्ट के 2 कर्मचारियों समेत 60 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं अब तक कुल 244 सक्रिय मामले सामने आए हैं, जिसके चलते दीवान न्यायालय नहीं खुला। वहीं भेजो के सैंपल में ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गाँव में सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में दक्षिणी बाईपास पर सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के चलते आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़ गए, जिसके चलते केमिकल से भरा ट्रक पलट गया। वहीं 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जैतपुर की कोतवाली तालबेहट में बिजली विभाग की उदासीनता के चलते कोतवाली तालबेहट क्षेत्र के गांव बड़ाहार निवासी मनोहर सिंह चौहान ने बिजली विभाग और कोतवाली तालबेहट को प्रार्थना पत्र देने हेतु बताया कि गांव में ही उनके घर के सामने रिपी रखी हुई है, जिससे वो उपभोक्ता हैं, मगर गांव के ही कुछ दबंगों की तरफ से उनके घर की लाइट बार बार काट दी जाती है। मना करने के बावजूद गाँव के ही कुछ दबंग लाठी कुल्हाड़ी से लैस होकर उनके साथ गाली गलौज करते हैं और मारने की फिराक में रहते हैं। पीड़ित उपभोक्ता ने बिजली विभाग को कोतवाली तालबेहट को प्रार्थना पत्र देकर गांव के ही दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वाल इंडिया के साथ। वेदांता